मैं कल भंडारे में जाऊंगी। हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है 6 सितंबर की क्लिप और ये बाहर गेट पे एक डॉगी भौंक रहा था और ऊपर क्योंकि छज्जी पे बैठा था एक मंकी, तो यहाँ पे मंकी और डॉगीज़ की लड़ाई चलती रहती है। और जिगी आ गई है स्कूल से, तो बस वो यही देख रही थी अंदर से। फिर जिगी को खाना वाना खिलाया, उसके बाद वो सो गई थी। उसके सोने के बाद फिर मैं और मिनियादी कुछ बातें कर रहे थे, वो काट रही थी सेब और फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के कुछ फ्रूट्स वगैरह खाए। और हो गई है शाम, जिगी सो के उठ गई है, मैं भी यहाँ आ गई है। तो बस ये लोग कर रहे हैं थोड़ी सी मस्ती। अब कैसी तबीयत है बताओ, कैसी तबीयत है बताओ, सभी को बताओ कैसी तबीयत है। अच्छी है, खराब है, कोई नहीं बहन, लेकिन तुम यहाँ और अभी नहीं खराब है, ठीक है, पहले से ठीक है। हाँ, पहले से ठीक हो रहा है जिग्गू बहन, अंदर वही बात है। वहाँ कोई कीड़ा नहीं है, इसी के ऊपर गहरी कीड़ा है, मुझे तो कोई कीड़ा नहीं नजर आ रहा है, किसी को भी नहीं नजर आ रहा है। कोई बताया नहीं है तो बहुत खुश, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे परपंच चल रहा है, परपंच सुन लो फ्रेंड, पता चल जाएगा कोई बात है जो ये कहना चाहिए। किससे परपंच कर रही है बताओ, कौन सी दीदी का फोन है बताओ। शिप्रा दीदी, हाँ देखो शिप्रा का नाम भी नहीं लिया, समझ गई शिप्रा दीदी का फोन आया। सुनो कैसे पता चल गया बताओ। हेलो बहन, सुनो अरे जिग्गी चाची लोग कुछ लोग का वीडियो बना रही थी, तो जिग्गी से चाची ने पूछा कि बताओ मैं किससे बात कर रही है। शिप्रा का नाम भी नहीं लिया, तभी बता दिया हेलो बहन से। जिग्गी से शिप्रा को कहती हेलो बहन, तो समझ जाओ शिप्रा से कहो आ जाए ब्लॉग बनाएंगे। तुम तो मेरी फ्रेंड हो, अरे तुम शिप्रा दीदी की फ्रेंड हो, शिप्रा आ जाओ ब्लॉग बनाएंगे, आओ। हेलो, बात करो। हेलो बहन, बोलो हेलो बहन, हेलो बहन, हेलो शिप्रा, खुश रहो। कहाँ पे हो, तो आप बस से निकल रही हो। ठीक हूँ, बताओ मेरी याद आ रही है के, तो आ जाओ दीदी। कह रही है याद आ रही है, देखा मैं कल भंडारे में जाऊंगी, कल भैया जी भंडारे में जाएगी। सो फ्रेंड्स, डिनर में मैं बना रही हूँ सांभर। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले आधी कटोरी दाल ली है मैंने, उसको अच्छे से वॉश करके पका लूँगी नमक और हल्दी डाल के। और जब नमक और हल्दी डाल करके दाल पक जाती है, अच्छे से गली हुई पकाती हूँ मैं, तो उसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए। मैंने डाला है बैंगन, लौकी थोड़ी ज़्यादा डाली है, इसके साथ ही प्याज और टमाटर, और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर दूँगी। जो कंसिस्टेंसी चाहिए उससे थोड़ा सा कम ही, क्योंकि बाद में और ऐड करते हैं। और ये डाल दिया, साथ ही साथ सांभर मसाला और थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं आप यहाँ पे, और थोड़ी कश्मीरी मिर्च डाली है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। और एक विसिल लगा के लौकी और सब्जियाँ गलने तक पका लेंगे। बस एक ही विसिल में सारी सब्जियाँ गल जाती हैं, मतलब भर की। तो ये बहुत जल्दी सांभर बनाने का तरीका है। और इसके साथ ही मैं बना रही हूँ सूजी के चीले, या फिर आप उत्पम कह लीजिए। उत्पम में थोड़ा सा इनो या थोड़ा भी ऐड करते हैं, बट ये नॉर्मल चीले जैसे बना रही हूँ। तो सूजी ली है, सूजी में थोड़ा सा 1 कप दही ऐड कर दिया है और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। सूजी को अच्छे से भिगा करके रख देंगे, 5 मिनट के लिए उसको रेस्ट करने देंगे। अभी उतना ही पानी डालें जितना सोख करके वो अच्छे से भीग जाए। और उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो एक विसल आने के बाद यहाँ पे सांभर भी पक गया है। अब इसमें डालेंगे इमली का पल्प, जो कि मैंने गर्म पानी में भिगा के उसका पल्प निकाल दिया है और वेस्ट अलग कर दिया है। सारे लोग खट्टा सांभर पसंद करते हैं, तो बस उसमें मैंने इमली का पल्प ज़्यादा डाला है। और इमली थोड़ी डार्क कलर की थी, इसलिए सांभर थोड़ा डार्क कलर दिख रहा है, अदरवाइज़ बहुत अच्छा कलर आता है। इमली का पल्प डालने के बाद अलग बॉयल होने रख देंगे और तैयार करेंगे इसका तड़का। तड़के के लिए लिया है मस्टर्ड ऑयल, गर्म होने के बाद उसमें डाला है राई दाना, हींग, लाल मिर्च पाउडर और करी पत्ता। करी पत्ता डालते ही हम लोग थोड़ा सा इसको ढक देते हैं, जिससे कि छींटे बाहर ना आए और गैस भी नहीं गंदा होगा और जलने का डर भी नहीं रहता है। तो देखिए कितनी गर्मी हो रही थी, वही महिमा बीच बीच में मेरी भी क्लिप ले रही थी और साथ ही में जिग्गी भी यहाँ कुछ बातें कर रही थी। तो तड़का तैयार हो गया है गाइस। तड़के को अब हम ऐड कर देंगे सांभर में और 5-6 मिनट के लिए इसको खुला ही पकाएंगे, जिससे कि सांभर में तड़के का अरोमा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये सांभर बनके तैयार हो जाएगा। और इसके साथ ही अब चीले का बैटर आगे देख लेते हैं। उसमें हम ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, आप चाहें तो कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए। इसमें बीच में मैंने लगभग 1.5 गिलास पानी ऐड किया है और ये थोड़ा सा रनी होता है चीले का बैटर। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे नमक, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिग्गी को भी खाना होता है और हमारे यहाँ मिर्च थोड़ी कम पसंद करते हैं, तो इसलिए बस तवे पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे, उस पर 3-4 चम्मच बैटर फैलाएंगे और इसको थोड़ी देर प्लेट से ढक देंगे या कोई लेड लगा के धीमी आँच पर, तो ये अच्छे से कुक हो जाएगा। ऊपर की लेयर जब ड्राई हो जाएगी तो हम इसको पलट देंगे थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करके, और ढकने से बहुत जल्दी चीले या उत्पम रेडी हो जाते हैं। तो आप लोग भी ढक के एक साइड पका लें, तब दूसरी साइड पलट के थोड़ा तेज़ आंच में इसको पकाएंगे। इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी चीले तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए, और फिर इसके बाद हम लोग करेंगे सब डिनर। बस डिनर में आज यही है, आप लोग डिनर की थाली देख सकते हैं। चलो आया, हम लोग कब से आए, वहाँ ठंडी हवा खा रहे थे। सही में उधर थे हम लोग, पटाखे फूट रहे थे, जन्माष्टमी वाले वो देख रहे थे। हमें लगा आप दोनों सो गए हो गए। हम लोग देख रहे थे बढ़िया। हाँ अब नहीं हो बेटा, कल फूटेंगे, कल भी जन्माष्टमी है ना, कल फूटेंगे। फिर मैं पानी निकाल लेना बेटा। अच्छा है, तुम फुटाओगी? अरे पटाखे हम लोग के पास है ही नहीं, जिसके पास होगा वो फुटाएगा, दूसरे पटाखे फूट सकते।